उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से, जहां जनपद बलिया में विभिन्न स्थानों पर रविवार को बारा वफात पर अकीदत के साथ ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला गया। इस दौरान काफ़ी संख्या में लोग झंडा लेकर चल रहे थे, साथ ही सरकार की आमद मरहबा के नारे लगा रहे थे। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के यौम पैदाइश के अवसर पर रविवार की शाम 2 बजे से ईद मिलादुन नबी के मुकद्दस मौके पर नगर के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बारा वफात का जुलूस गाजे बाजे और लाव लश्कर के साथ निकाला गया। 1.5 लाख की संख्या जुलूस में शामिल हुए लोग इस्लामी परचम और तिरंगे झंडे को हाथ में लेकर सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाते हुए चल रहे थे। मौलाना अशरफ रजा, मौलाना तनवीर हाफिज मुख्तार कारी नौशाद बिसुनीपुर जामा मस्जिद के सचिव अफसर आलम सभासद शकील अहमद के नेतृत्व में चित्तू पांडे चौराहे पर पहुंचा, जहां सभी जुलूस का मिलन हुआ। वहां से स्टेशन रोड, स्टेशन चौक रोड, लोहापट्टी रोड, राजेंद्र नगर, शनिचरी मंदिर, महावीर घाट, चमनसी बाग रोड, कासिम बाजार रोड, विष्णु धर्मशाला रोड होते हुए बिसुनीपुरी गली के जाकर समाप्त हुआ। वहाँ से जुलूस अपने अपने नियत स्थान पर पहुँचा और समाप्त हो गया। इस मौके पर राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी, पूर्व मंत्री नारद राय, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष संजय उपाध्याय इत्यादि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं सुरक्षा के मद्देनज़र सदर कोतवाल प्रवीण कुमार सी सहित एवं CID विभाग के सभी अधिकारी, इसके अलावा भारी मात्रा में फोर्स व PSC मौजूद रही। आइए सुनते हैं मौलाना साहब की ज़ुबानी क्या कर रहे हैं नगर में। गूंजा सरकार की आमद का मरहबा का नारा। रिपोर्ट बाय एजाज अहमद, समाचार इंडिया, न्यूज़ बलिया।